गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रेजेस। फ्रेजेस, व्हाट आर फ्रेजेस? फ्रेजेस होते क्या हैं? फ्रेजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, इट डज नॉट मेक सेंस, जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, उसकी पूरी सेंस नहीं बनती। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है बट पूरा सेंटेंस नहीं होता। इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही इसमें फाइनाइट वर्ब होती है। फ्रेजेस में इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम क्लोजेस, राइट? फ्रेजेस में ना सब्जेक्ट होता है और ना ही इसमें कोई फाइनाइट वर्ब होती है। फ्रेजेस में हमेशा आपको इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स मिलती हैं। आई एम आस्किंग दैट वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, एंड यू आर सेइंग मैम इन संगरूर। यू आर गिविंग आंसर मी इन शॉर्ट, इन संगरूर। इफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन देन यू आर गिविंग आंसर इन संगरूर। अब इन संगरूर मुझे समझ में आ गया, बट ये पूरा इसकी कोई सेंस तो नहीं बनी ना। इफ आई एम सेइंग आई लिव इन संगरूर तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। आई लिव इसको मैं साइड पे रखती हूँ, इन संगरूर ये मैं साइड पे रख रही हूँ, आई लिव इन संगरूर। अब इन संगरूर अगर हम आई लिव के साथ लगाते हैं तो ये इसका एक पार्ट है सेंटेंस का, तब जाके ये पूरा सेंटेंस बनता है। तो जो फ्रेजेस होते हैं, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जस्ट टू और थ्री ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट? इनका अपने आप में पूरा सेंस नहीं बनता, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, इनमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती। जैसे क्लोजेस में एक फाइनाइट वर्ब होती है ना, जो ये उसके डिफरेंट है, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती, इसमें इनफाइनाइट होती है, राइट? सो लेट अस डिस्कस। आई लिव इन संगरूर, अब इन संगरूर क्या होगा? इफ आई एम सीइंग, फाइंड द फ्रेजेस हियर, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इस सेंटेंस में फ्रेज ढूंढो, आई लिव इन संगरूर, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। लिव क्या है? फाइनाइट वर्ब है। एज आई टोल्ड यू कि फ्रेजेस में फाइनाइट वर्ब नहीं होती, सो ये तो हमारे फ्रेजेस हो नहीं सकती, तो ये क्या हो गया हमारा? इन संगरूर इट इज अ फ्रेज। नेक्स्ट, आई लव क्लिकिंग पिक्चर्स, आई सब्जेक्ट, लव फाइनाइट वर्ब, क्लिकिंग पिक्चर्स, ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट, सॉरी फ्रेज, क्लिकिंग पिक्चर्स। आई एम सेइंग व्हाट डू यू लाइक, यू आर सेइंग मैम क्लिकिंग पिक्चर्स। अब क्लिकिंग पिक्चर्स आप कह रहे हो, शॉर्ट में मेरे को आंसर दे रहे हो मैम क्लिकिंग पिक्चर्स। अब क्लिकिंग पिक्चर्स तो मैं ये भी आइडिया लगा सकती हूँ कि आप क्लिक कर रहे हो, राइट? सो फ्रेज जो होता है उसका अपने आप में पूरा सेंस नहीं बनता, इट इज जस्ट ऑफ टू और थ्री वर्ड, ग्रुप ऑफ टू और थ्री वर्ड्स। टू हेल्प अदर्स इज गुड, तो इसमें फ्रेज कौन सी होगी? टू हेल्प अदर्स। Now we will discuss types of phrases. First is noun phrase, second is adverb phrase, and third one is adjective phrase. Now noun phrases. Noun phrases kya hoti hai Rajay? Noun phrase when phrase acts as a function of noun in a sentence. Agar wo noun ka function perform kar rahi hai wo phrase, to wo kya hogi? Noun phrase. Then aapko kaise pata chalega? See, if वी आर गेटिंग आंसर ऑफ वट, अगर हमें वट का आंसर मिल रहा है तो वो हमारी नाउन फ्रेज होगी। लाइक वी लाइक टू वॉच गुड मूवीज, आई एम आस्किंग टू यू वॉट डू यू लाइक टू वॉच, यू आर सेइंग मैम टू वॉच गुड मूवीज। वी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। लाइक क्या है? फाइनाइट वर्ब, तो ये तो हमारी फ्रेज है ही नहीं। अब इस सेंटेंस में फ्रेज कौन सी है? टू वॉच गुड मूवीज, जो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, एंड इट इज गिविंग एन आंसर ऑफ व्हाट। जब हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है तो वो हमारी कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज। नेक्स्ट, आई एम आस्किंग व्हाट इज इजी, यू आर सेइंग मैम टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, तो इसमें फ्रेज कौन सी है? टू फाइंड फॉल्ट। नेक्स्ट, हिज सडन इलनेस अपसेट अस, फाइंड फ्रेज इन दिस सेंटेंस, his sudden illness, what upset us? His sudden illness, so this is a noun phrase. Now we'll move to adverb phrases.
एडवर्ब फ्रेजेस जहाँ पे फ्रेज एक एडवर्ब का रोल परफॉर्म कर रही है. अब एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब एडवर्ब किसको मॉडिफाई करती है? वर्ब को. जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होती है? एडवर्ब. हाउ? जब आपको आंसर मिलता है हाउ व्हेन वेयर. हाउ व्हेन वेयर जब आपको इसका आंसर मिल रहा है वो हमारी क्या है? एडवर्ब फ्रेज. हाउ आर यू राइटिंग? वेरी स्लोली. वेरी स्लोली क्या हो गया? फ्रेज, क्योंकि हमें हाउ का आंसर मिल रहा है. राइट. ही वॉक्ड वह चला. हाउ कैसे चला? इन अ स्लो मैनर. इन अ स्लो मैनर वो बहुत धीरे से चला. हम इसमें किसका आंसर मिला? हाउ का. जब हमें हाउ का आंसर मिले वो फ्रेज वो क्या है हमारी? एडवर्ब फ्रेज. इन अ स्लो मैनर आई हैव रिसीव द इंफॉर्मेशन. ये पूरा सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है. आई हैव रिसीव द इंफॉर्मेशन. When? कब मिली आपको इन्फॉर्मेशन? At this moment. तो ये हमारा क्या होगा? Adverb phrase. There was not electricity. Where? कहाँ पे नहीं थी electricity? In these areas. तो ये हमारा क्या है? In these areas. Adverb phrase. जब हमें when, where, how का आंसर मिल रहा है तो वो हमारे क्या होते हैं? Adverb phrases. Phrases हमेशा इनकम्प्लीट होती है. लाइक अगर हम इसको अकेला लूँ, एट दिस मोमेंट, इन अ स्लो मैनर, इन दीज एरियाज, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, 3 or 4 वर्ड्स के हैं और ये कम्प्लीट नहीं है, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है. तो ये क्या है? फ्रेजेस. नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेजेस. एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं जब कोई वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है. एडजेक्टिव वही होते हैं ना, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव क्या होते हैं? जब किसी नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है. ही इज अ बॉय बट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. अब मैंने बॉय को क्या किया? डिस्क्राइब किया कि वो किस काइंड का बॉय है, कैसा बॉय है वो. वो एक इंटेलिजेंट बॉय है. तो इंटेलिजेंट वहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव. ही इज अ स्मार्ट बॉय. शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. शी इज अ ब्रिलियंट गर्ल. अब मैं किसको डिस्क्राइब कर रही हूँ? गर्ल को. शी इज अ ब्रिलियंट. She is an intelligent, right? So जब हम किसी noun को describe करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? Adjective. So in the same way जब हम किसी noun को describe कर रहे हैं वो हमारा adjective phrase है. Doctor Singh is a man. Doctor Singh is a man of great honor. तो हम of great honor हम किसको describe कर रहे हैं? Doctor Singh को, right? जब हम किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हमारे क्या होगी? एडजेक्टिव फ्रेज. नेक्स्ट, आई बॉट अ गाउन मेड ऑफ सिल्क. अब मैं किसके बारे में बता रही हूँ? मेड ऑफ सिल्क. किसके बारे में बता रही हूँ मैं? गाउन के बारे में. तो गाउन क्या है? एक नाउन है. जब हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज. मेड ऑफ सिल्क. 26 January इज अ डे टू बी रिमेम्बर्ड. अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? नाउन के बारे में, डे के बारे में. सो वो क्या होगा? टू बी रिमेम्बर्ड. एडजेक्टिव फ्रेज. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड एडजेक्टिव फ्रेज. फ्रेजेस आर इनकम्प्लीट, वो कम्प्लीट नहीं होते, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती. राइट. सो दिस इज फ्रेज.